प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अभी जो हुआ है वो ट्रेलर है। अरे प्रभु, 3612 दिन सरकार चलाने के बाद ये ट्रेलर है। ये सुनकर देश की जनता आशंकित हो गई है, भयभीत है, घबरा गई है कि अगर ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसे दिखा सकते हैं। तो ट्रेलर में इस देश ने बहुत कुछ देख लिया और अब ये देश हाथ जोड़ के कह रहा है प्रभु बख्श दीजिए, झोला उठाने का वक्त आ गया है, हमने भी मन बना लिया, आपको भी जाना है, इधर उधर की बातें मत कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 घंटे 17 मिनट का एक इंटरव्यू देखा। उस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अभी जो हुआ है वो ट्रेलर है। अरे प्रभु, 3612 दिन सरकार चलाने के बाद ये ट्रेलर है। ये सुनकर देश की जनता आशंकित हो गई है, भयभीत है, घबरा गई है कि अगर ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कैसे दिखा सकते हैं। ये ट्रेलर में ही हमने इस देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ट्रेलर में ही कमर तोड़ महंगाई, ट्रेलर में ही आटा दही पढ़ाई दवाई सब पर GST, ट्रेलर में ही हमने महिलाओं को आशंकित, महिलाओं को भयभीत, महिलाओं को बूटों के तले रौंदते हुए, और आप यौन शोषण को कैसे संरक्षण देते हैं अपने बगल में बिठाकर, वो भी देख लिया। ट्रेलर में ही इस देश ने देखा कि कैसे आवाज उठाने वालों की आवाज का दमन किया जाता है। ट्रेलर में ही लोगों ने देखा कि अगर पेपर लीक होता है और अगर लोग नौकरी की मांग करते हैं तो आप उन पर लाठियां बरसाते हैं। ट्रेलर में ही लोगों ने देखा कि अन्नदाताओं पर आप सिर्फ लाठियां ही नहीं बरसाते, आंसू गैस के गोले भी छोड़ते हैं, उनके लिए रास्ते खुदवा देते हैं, उनसे झूठे वादे करते हैं। तो ट्रेलर में इस देश ने बहुत कुछ देख लिया और अब ये देश हाथ जोड़ के कह रहा है प्रभु बख्श दीजिए, झोला उठाने का वक्त आ गया है, हमने भी मन बना लिया, आपको भी जाना है, इधर उधर की बातें मत कीजिए। प्रधानमंत्री जी, बिना पलक झपकाए आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपके गोरख धंधे की कलई इस देश के उच्चतम न्यायालय ने खोली है कि कैसे चंदा दो और धंधा लो और वसूली रैकेट आप चला रहे थे। क्रमवार तरीके से नाम और डेट के साथ ये स्पष्ट हो चुका है कि जब आपको कोई चंदा देता था तो उसको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे, आप कट ले रहे थे। ये भी साफ हो चुका है कि अपनी CBI, ED, इनकम टैक्स से आप उस हर जगह छापा डालवाते थे जहां पर बाद में या तो कार्रवाई स्थगित हो जाती थी, कोई अप्रूवर बन जाता था। तो ये वसूली रैकेट, ये एक्सटॉर्शन रैकेट आप चला रहे थे, इस पर से पर्दा हट चुका है, इसका पर्दाफाश हो चुका है, लोग आपके भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन से वाकिफ है। तो प्लीज इस तरह की बातें मत करिए। आपके इन जुमलों में 2014 में लोग आ जाते, अब थोड़े कोई काले धन की आपकी बात मानेगा। काला धन, काला धन, अरे काला धन तो आप लाने वाले थे, 15 लाख बैंक अकाउंट में डालने वाले थे, कहां डाले आपने वो सब पैसे। असलियत यह है कि नीरव मोदी से लेकर मैं हुई चौकसी तो किसी को तो वापस आप लेकर आ नहीं पाए, काले धन की बात करते हैं। फिर आपने कहा, मैं गारंटी देता हूं प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी जी, 15-15 लाख की, 2 करोड़ रोजगार की सालाना, ये सारी गारंटी आपकी है? किसान की दुगनी आय की, 100 स्मार्ट सिटी की, रुपया डॉलर एक होने की, पेट्रोल डीजल 35 पर आने की, चीन को लाल आंख दिखाने की, सारी जिम्मेदारी तो आपकी थी, सारी गारंटी तो आपकी थी। आपकी गारंटी नहीं, आपके खोखले जुमले होते हैं, उनको आप किसी भी नाम से पुकारिए। और अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं, अपने मुंह से प्रभु राम का नाम मत लिया करिए। श्री राम हम सबकी आस्था के, हमारे विश्वास के, हमारी परंपरा के, हमारी लोक संस्कृति के प्रतीक है। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अगर उनसे कुछ सीखते तो थोड़ी मर्यादा, थोड़ा सम्मान, थोड़ा आदर जरूर सीखते। आपकी इन सब में कमी है। आप नाथूराम के भक्त हैं, आप नाथूराम का देश बनाना चाहते हैं, आप नाथूराम के पदचिन्हों पर चलते हैं, आपके अंदर नफरत भी नाथूराम जैसी है। तो नाथूराम का नाम लिया करिए, आप श्री राम का नाम मत लिया करिए, क्योंकि श्री राम का जो नाम लेता है वो राम राज्य में यकीन करता है, उस राम राज्य में यकीन करता है जहां पर दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहूं व्यापा, जहां पर गरीबों, शोषितों, वंचितों, युवाओं, किसानों, महिलाओं का सम्मान होता है। आपके रिपोर्ट कार्ड पर 10 साल बाद बेरोजगारी पर, महिला सुरक्षा पर, उनके रिप्रेजेंटेशन पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानताओं पर, हर जगह आप फेलियर हैं। मणिपुर और लद्दाख आज भी अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है, थोड़ा टाइम निकालिए, वहां चले जाइए। अगले इंटरव्यू में मणिपुर पर बात जरूर करिएगा, नौकरियों पर बात जरूर करिएगा, महंगाई पर अपना मुंह जरूर खोलिएगा, अन्यथा इंटरव्यू देने का क्या फायदा। इलेक्शन रैली में तो बड़ी बड़ी फेंकते ही हैं आप।